हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, आदि अनादि काल से हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की लीला स्थली रहा है। संभवतः इसीलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि की उपाधि प्राप्त हुई है। हिमाचल पूरी तरह से प्राकृतिक आकर्षणों से भरा हुआ है और इसका अपना समृद्ध पौराणिक अतीत है। यहां अनगिनत ऐसे मंदिर हैं जो अपने पौराणिक महत्व की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक मंदिर जाखू मंदिर। भक्तों, जाखू मंदिर हिमाचल प्रदेश के शिमला में समुद्र तल से 8048 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वर्ष 2010 में राज्य सरकार ने यहां 108 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की है। यह मूर्ति भारत की उत्तम मूर्तियों में से एक है। इस मूर्ति को पूरे शिमला से देखा जा सकता है। यहां पैदल, निजी कार या रोपवे से पहुंचा जा सकता है। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार राम रावण युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी, तब वैद्य सुषेण ने राम भक्त हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी के पर्वत पर भेजा। आकाश मार्ग से जा रहे हनुमान जी की नजर पर्वत पर तपस्या कर रहे यक्ष ऋषि पर पड़ी। मार्ग में विश्राम कर और संजीवनी बूटी का पता पूछने के लिए हनुमान जी इसी स्थान पर उतरे। यक्ष ऋषि से संजीवनी की जानकारी लेने के बाद हनुमान जी ने उनसे दोबारा मिलने का वादा किया। कालनेमी नामक राक्षस के माया जाल के कारण हनुमान जी को कुछ देर हो गई, इसलिए वह एक छोटे मार्ग से लौट आए और अपने वचन के अनुसार यक्ष ऋषि से मुलाकात नहीं कर पाए। इस पर ऋषि व्याकुल हो उठे। उनकी व्याकुलता दूर करने के लिए अंततः हनुमान जी ने यक्ष ऋषि को दर्शन दिया। इसके बाद इस स्थान पर हनुमान जी की स्वयंभू प्रतिमा प्रकट हुई। इसे लेकर यक्ष ऋषि ने हनुमान जी का यह मंदिर बनवा दिया। हनुमान जी की यह स्वयंभू प्रतिमा आज भी मंदिर के प्रांगण में स्थापित है। भक्तों, जाखू मंदिर में जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी, यहां राज्य सरकार द्वारा हनुमान जी की 108 फुट की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण कराया गया। प्राइड ऑफ शिमला कही जाने वाली यह प्रतिमा विश्व की कुछ सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। यह प्रतिमा इतनी विशाल है कि लगभग शिमला के प्रत्येक कोने से देखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश की यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु शिमला के इस हनुमान मंदिर की यात्रा अवश्य करते हैं। भक्तों, जिस पर्वत पर हनुमान जी यक्ष से मिले थे, उस पर्वत का नाम यक्ष के नाम पर ही शुरू में यक्ष नाम दिया गया था, लेकिन बाद में यह यक्ष का अपभ्रंश याक, याक का अपभ्रंश याखू और याखू का अपभ्रंश जाखू हो गया था। जाखू में संगमरमर के पत्थरों पर अंकित हनुमान जी के पद चिन्ह आज भी संरक्षित हैं। भक्तों, महाकाव्य रामायण में भगवान हनुमान के वीरतापूर्ण पराक्रम को याद रखते हुए जाखू मंदिर में प्रतिवर्ष आश्विन महीने में दशहरे का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा लंकापति रावण पर भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। भक्तों,
जाखू मंदिर के दर्शन का समय सुबह 5 से दिन के 12 बजे तक और फिर शाम को 4 से रात के 9 बजे तक है। यात्री इस समय किसी भी अवधि में मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। भक्तों, जाखू मंदिर में दर्शनार्थियों और पर्यटकों को मंदिर में प्रवेश करने अथवा दर्शन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। भक्तों, जाखू मंदिर शिमला की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून के बीच गर्मी के महीनों में 20 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान रहता है। जुलाई के दौरान और उसके बाद बारिश का मौसम, भारी बारिश के कारण यात्रा करना असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन सितंबर से जनवरी तक सर्दियों के महीने सुखद और शांत होते हैं। इस मौसम में कभी कभी बर्फ की बौछारों के साथ काफी ठंडी और भी ज्यादा सर्द हो सकती है। शिमला का शानदार मौसम ही इसे एक शानदार पर्यटन स्थल बनाता है। भक्तों, अगर आप शिमला के जाखू मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो कुल्लू में हाटू मंदिर का दर्शन अवश्य करें। इसके अलावा कुल्लू घाटी में देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर हैं, उनका दर्शन भी अवश्य करें। यदि आप सैर सपाटे का शौक भी रखते हैं तो आप वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट नगर, जगतसुख, देव टिब्बा, बंजार, मणिकर्ण और रुमसू आदि के पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, जाखू मंदिर के पास हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार हर साल जाखू पर्वत पर पर्वतारोहण कार्यक्रम आयोजित करती है ताकि इस पर्वत का और विकास हो सके तथा इसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल सके। भक्तों, जाखू मंदिर पहुंचने के लिए यहां रोप वे की सुविधा उपलब्ध है, अतः रोप वे से यात्रा करने के इच्छुक पर्यटक शिमला में रिज नामक स्थान से जाखू मंदिर तक पहुंच सकते हैं। रिज के अलावा शिमला के प्रसिद्ध माल रोड से भी जाखू मंदिर तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है। रोप वे केवल कार द्वारा हिमालय के खूबसूरत दृश्यों के साथ ब्रिटिश युग की वास्तुकला को पहाड़ी के नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह से देखा जा सकता है। भक्तों, जाखू मंदिर के लिए रोप वे की सवारी सुबह सुबह 9:30 से शाम 6 तक यानी सूर्यास्त तक खुली रहती है, अतः आप जब भी जाएं तो समय का पूरा ध्यान रखें। भक्तों, रोप वे टिकट की कीमत उम्र के हिसाब से अलग अलग है। 3 से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क है। 3 से 12 के बच्चों के लिए ₹200 शुल्क है तथा वयस्क के लिए टिकट की लागत ₹250 है। यह सिर्फ एक तरफ का ही शुल्क है। भक्तों, अगर आप शिमला स्थित जाखू मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जाखू मंदिर शिमला की ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसीलिए ये वायु, रेल तथा सड़क मार्गों से बखूबी जुड़ा है। आप तीनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल करके यहां पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप जाखू मंदिर के लिए यात्रा हवाई जहाज से करना चाहते हैं तो बता दें कि इसका निकटतम हवाई अड्डा भुंतर में शिमला का जब्बारहट्टी हवाई अड्डा है। आप हवाई अड्डे से मंदिर की यात्रा टैक्सी या राज्य परिवहन की बसों से कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप ट्रेन से जाखू मंदिर या शिमला जाने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि शिमला रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है। जाखू मंदिर का मुख्य शिमला रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए
आपको बस या टैक्सी से यात्रा करनी होगी। भक्तों, यदि आप जाखू मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करने की इच्छा रखते हैं तो दिल्ली, धर्मशाला, लेह और चंडीगढ़ से शिमला के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर आप बस से सफर नहीं करना चाहते तो आप शिमला की यात्रा निजी वाहन अथवा टैक्सी द्वारा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी जाखू मंदिर पहुंचकर पवन सुत हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अविलंब जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।